चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स हमने रिलीज कर दिया है, और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको यहाँ पे हमारे दिए हुए फ्री एनालिसिस से पहले प्रॉफिट्स हुए हैं और जो हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं कि एनालिसिस सही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसमें हम अब आगे एक और नई चीज ऐड करने वाले हैं, इंट्राडे स्टॉक्स का भी आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जिनका पहले यहाँ हमारे फ्री एनालिसिस से प्रॉफिट्स हुए हैं वही केवल इस कोर्स को ले, और नहीं हुए हैं तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमारे एनालिसिस किस तरह से रहते हैं और कैसे कितने सही रहते हैं, और उसके बाद ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं भारत बिजली लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 4,661.80 रुपीज़ की, और बुक वैल्यू है 1,651 रुपीज़ की। पेट्रोस्की स्कोर काफ़ी अच्छा है 8 का, और ये जो कंपनी है काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। 1946 में स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी, और इलेक्ट्रिक मोटर्स, एलिवेटर सिस्टम्स, ड्राइव्स एंड ऑटोमेशन के बिजनेस में है ये, और काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। चलिए और देखते हैं अपन प्रोज एंड कॉन्स में। देखें तो पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो स्टॉक जो है 2.82 टाइम्स चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। प्रमोटर होल्डिंग लो है 33.7% की, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, वो है 6.90% लास्ट 3 ईयर्स से। अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, और कंपनी का जो क्वार्टर है वो अच्छा देने की उम्मीद है अपनी। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 27.1% लास्ट 5 ईयर्स से, 27.1% CAGR लास्ट 5 ईयर्स से। और उसके बाद में डिविडेंड पेआउट भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है 24.2% का, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज रिक्वायरमेंट भी कम हुआ है 120 डेज से 63.9 डेज, काफ़ी अच्छा कम हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो सभी क्वार्टर यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं इनके। 49 करोड़ का प्रॉफिट है इसमें इस मार्च 2024 में, दिसंबर 2023 में 30 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 28 करोड़, फिर 25 करोड़, तो ग्रेजुअल ग्रोथ भी है तो अच्छा है। अब अपन P&L स्टेटमेंट में आते हैं। ईयरली बेसिस पर अगर अपन देखें तो मार्च 2024 में 131 करोड़ का यहाँ पे अपने को प्रॉफिट दिखा रहा है, और उसके पहले मार्च 2023 में 83 करोड़ का प्रॉफिट था। अच्छा खासा प्रॉफिट जम भी है, और ओवरऑल कंपनी भी प्रॉफिट में है। अब अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो 241 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हाईएस्ट प्रॉफिट है, और उसके बाद में फिर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है इनका, 182 करोड़ का नेगेटिव है, और ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव ही है, 7 करोड़ का नेट कैश फ्लो। और अब चलते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग पे। प्रमोटर होल्डिंग की अगर अपन बात करें तो 33.72% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। FIS की होल्डिंग है 2.32% की, DIS की होल्डिंग है 9.19% की, गवर्नमेंट की कुछ भी होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 54.77% की। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी लो है, और 33.72% थोड़ी नहीं, अच्छी खासी लो है। और चलिए देखते हैं अगर अपन यहाँ पर देखें होल्डिंग की बात करें, और उसके बाद में फिर पब्लिक होल्डिंग है उसके बाद सीधा, इससे आप यहाँ पे और डिटेल्स में भी देख सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर अगर आपको ऐसे कोई प्रमोटर हैं जिनको आप फॉलो करना चाहें तो उनको आप फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ से कि कौन कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब अपन आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट के बेसिस पर अगर अपन देखें यहाँ पर तो हमने जो अपना व्यू बनाया है वो बनाया है 4,680 रुपीज़ के ऊपर ही हम कुछ भी बाइंग कंसिडर करेंगे। थोड़ा अच्छी खासी प्राइस का ये बेसिकली स्टॉक है, तो थोड़ा सा और केयरफुल रहना ज़रूरी है, अपनी पोजिशन साइजिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है 4,680 रुपीज़ के बाद ही हम कुछ भी कंसिडर करेंगे। लास्ट टाइम जो है 20% की रैली हुई थी इसमें, 776.95 रुपीज़ की, अच्छी खासी रैली कर चुका है ये। थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है अगर अपन थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम की बजाय थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलें तो देखिए कितना बड़ा गैप अप हो चुका है, अच्छा खासा गैप अप हो चुका है इसमें। और अगर अपन इसको रिमूव कर दें थोड़ा, अच्छा खासा गैप अप हो चुका है। तो इस तरीके से जो है अच्छी खासी रैली भी हुई है, और बढ़िया बढ़िया रैलीज हो चुकी हैं इसमें। तो 4,680 रुपीज़ के बाद ही हम कुछ भी कंसिडर करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।